भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने तीन बदलाव किए हैं। वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल, शाहबाज अहमद की जगह कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है। भारतीय लीजेंड सुनील गावस्कर ने कहा कि बुमराह को आराम देने का फैसला उनकी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि इस टेस्ट के बाद 7 दिन का आराम था। गावस्कर ने कहा कि अगर वर्कलोड की बात की जाए तो अगले टेस्ट में अभी काफी समय बाकी है, इस टेस्ट में उन्हें खिलाना चाहिए था। बुमराह भारत के नंबर एक गेंदबाज हैं और ये टेस्ट भारत को जीतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुलदीप और अक्षर को टीम में शामिल किए जाने की उम्मीद थी। कुलदीप के पास काफी वैरायटी है और इससे टीम को फायदा भी होगा। गावस्कर ने कहा कि दूसरे टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों को धैर्य के साथ खेलना होगा। अक्षर पटेल पहले टेस्ट में चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे, वहीं कुलदीप की 2 साल बाद टीम में वापसी हुई है। भारत के स्क्वाड में शामिल किए जाने के बावजूद प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल पा रहा था। शाहबाज और सुंदर पहले टेस्ट में कुछ खास गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। हालांकि सुंदर ने बल्ले से कमाल दिखाया था और पहली पारी में नाबाद 85 रन बनाए थे।